बांग्लादेश में हिंसा के बाद शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारी शांत नहीं हो रहे हैं। सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने कोहराम मचा रखा है और हद तो तब हो गई जब वो लोग पीएम हाउस में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये प्रदर्शनकारी किस हद तक गिर गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर धावा बोला, उसके बाद इमारत में तोड़फोड़ की, चिकन, मछली और सब्जियां लूटी, पलंग पर सोने लगे, बेडरूम में घुसे और बेड पर बैठकर सेल्फी खिंचाने लगे, घर की कुर्सी और सोफे तक लूट ले गए। किसी ने अलमारियां तोड़ दी तो कोई मेकअप का सामान लेकर भागता हुआ दिखा। प्रदर्शनकारियों ने इस वक्त वहां इस तरह का उत्पात मचा रखा है। सोशल मीडिया पर इन वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के तमाम तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये पढ़े लिखे लोग हो ही नहीं सकते, ये तो जाहिल है। पीएम हाउस में हजारों लोग बेखौफ हुड़दंग करते देखे जा सकते हैं। सुरक्षा कर्मी या पुलिस कोई भी वहां दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे ये साफ है कि सेना ने प्रदर्शनकारियों को खुली छूट दे रखी है। यहां तक कि ढाका में बांग्लादेश को बनाने वाले शेख मुजीब की मूर्ति भी तोड़ दी गई। मूर्ति के ऊपर चढ़कर प्रदर्शनकारियों ने इसे तोड़ने की कोशिश तक कर डाली। ढाका में भीड़ ने झंडे लहराए और कुछ प्रदर्शनकारियों ने एक पार्क में टैंक के ऊपर चढ़कर डांस तक कर दिया। इतना ही नहीं, कुछ तस्वीरों में प्रदर्शनकारियों को आवास के अंदर बेड पर आराम फरमाते भी देखा जा सकता है। ये कुछ प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आप खुद अपना माथा पकड़ लेंगे। ये तस्वीर देखिए, मछली ले जाता ये प्रदर्शनकारी, वहीं एक लड़का पीएम हाउस से बतख चुरा कर ले जा रहा है, किसी ने बकरी चुरा ली तो किसी ने खरगोश। हद तो तब हो गई जब लोग गद्दा तक लेकर भागने लगे। वहीं इस वीडियो में तो साफ देखा जा सकता है कि ये लड़का कैसे पीएम हाउस के बेडरूम में बैठकर बेड पर आराम फरमा रहा है, और उससे बड़ी बात कि ये इतना खुश लग रहा है जैसे इसने कोई दुनिया जीत ली हो। प्रदर्शनकारी शेख हसीना के कमरे से उनकी साड़ी तक लूट ले गए। इतना ही नहीं, उन्होंने बांग्लादेश के पीएम आवास में चिकन और बिरयानी का आनंद भी लिया और बाकायदा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड तक किया। बांग्लादेश में हर तरफ आग लगाकर और दंगे का माहौल बनाकर चिकन पार्टी करते इन प्रदर्शनकारियों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें, शेख हसीना ने हिंसा भड़कने के बाद इस्तीफा दे दिया है और वो सबको छोड़ छाड़ कर भारत आ चुकी हैं। पहले वो अगरतला आईं, उसके बाद वो गाजियाबाद आईं। अब ऐसे में बांग्लादेश में लगातार हालात खराब हो रहे हैं। शेख हसीना के देश छोड़ते ही जिस तरह से इन प्रदर्शनकारियों ने उत्पात मचाया है, लोगों को चिंता है कि वहां आगे क्या क्या होगा। और सिर्फ पीएम हाउस नहीं बल्कि गृह मंत्री के घर पर भी भीड़ ने जमकर कोहराम मचाया। ढाका में पीएम की पार्टी अवामी लीग के दफ्तर में भी भीड़ ने आग लगा दी। प्रदर्शनकारी प्रवेश द्वार तोड़कर मंत्री के आवास में घुस गए। कुछ देर बाद उनके घर के अंदर से धुआं तक निकलता दिखाई देने लगा।